आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नगरपालिका कर्मचारियों को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिलने पर नगरपालिका कर्मचारियों ने किया हंगामा। सीएम और अध्यक्ष प्रतिनिधि के 2 दिन के आश्वासन के बाद माने सफाई कर्मियों के साथ नियमित और मस्टर कर्मी भी आए सामने। सनावत नगरपालिका में इन दिनों सफाई कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए लगातार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से गुहार कर रहे हैं। वहीं सोमवार को दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों ने भी तनख्वाह नहीं मिलने से हंगामा किया, जिसके बाद सोमवार को कर्मचारियों का आक्रोश फूटा और उन्होंने हंगामा करते हुए जल्द से जल्द तनख्वाह देने की मांग की। वहीं अधिकारी कर्मचारियों ने नगरपालिका के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया, जहां सीएमओ द्वारा 2 दिन में तनख्वाह देने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद कर्मचारी माने और हंगामा समाप्त हुआ। नगरपालिका कर्मचारियों में सफाई कर्मचारियों को विगत 2 माह से वेतन नहीं दिया गया। इसी की मांग को लेकर लगातार नगरपालिका के सफाई कर्मचारी तनख्वाह देने की मांग सीएमओ और परिषद से करते रहे। वहीं सोमवार को नियमित कर्मी और मस्टर कर्मियों ने तनख्वाह नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया और नगरपालिका के मुख्य गेट के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे चले कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान सीएमओ विकास डावर, अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला एवं कांग्रेस भाजपा पार्षदों ने कर्मचारियों से चर्चा की। वहीं कर्मचारियों के हंगामे के बाद सीएमओ के कक्ष में अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लेकर निष्कर्ष निकालने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। सीएमओ डावर ने बताया 2 दिन में कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए प्रयास किया जाएगा, चुंगी कर नगरपालिका का राजस्व वसूली नहीं होने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे अभी फिलहाल 1 माह की तनख्वाह देकर चुंगी कर आने के बाद बाकी बचे 1 माह की भी तनख्वाह दी जाएगी। वहीं कर्मचारियों ने बताया हम नगरपालिका में कार्यरत होकर इस पर ही आश्रित है, वहीं अगर समय पर तनख्वाह नहीं मिलती तो हमें घर परिवार दैनिक जीवन उपयोगी सामग्री खरीदने के साथ घर के परिवार के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। 2 माह बाद भी तनख्वाह का वितरण नहीं होने से परेशानी है, हर कर्मचारी की एक जैसी परेशानी। वहीं नियमित कर्मचारियों ने बताया तनख्वाह मिलने के बाद ही कई कार्य संपन्न होते हैं, 2 माह से कर्मचारी परेशान है। इस दौरान नगरपालिका के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं स्टाफ मौजूद था। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। ये धरने पर नहीं, सभी नगरपालिका सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं सीएम और अध्यक्ष से ये बात करने के लिए कि आज 2 दिन बाद 2रा महीना समाप्त तो होने को है और अभी तक नगरपालिका की तनख्वाह देने की कोई सूरत नहीं ली है। इसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका तनख्वाह के ऊपर पूरा घर निर्भर है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, गाँव में कोई उधार नहीं दे रहा है और यही रहा तो नगरपालिका के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। तो क्या आश्वासन दिया सीएमओ साहब ने? सीएमओ साहब और अध्यक्ष से बातचीत के दौरान जो आश्वासन दिया है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं और यही बात इन्होंने दूसरी या तीसरी बार कह दी है जिसका 2रा महीना समाप्त तो होने को है। तो आप कब तक बैठेंगे यहाँ पर? हम अभी धरना या हड़ताल का कोई ऐसा हमारी तरफ से वो नहीं है, लेकिन अभी इकट्ठा होकर हम अपनी मजबूती से बात रख रहे हैं। और क्या कर्मचारी नगरपालिका गेट पे बैठे हैं, क्या मांग है इनकी? तनख्वाही नहीं मिली। कितने समय से नहीं मिली? मुझे तो साल भर से नहीं, पिछले जून से नहीं मिली है, 10 महीने हो गए और 11 महीना भी समाप्त होने में आ गया। क्या कारण रहा? कारण तो कुछ नहीं बता रहे हैं, बस मिले ही नहीं। मैं इस बीच में तबीयत खराब हो गई थी छुट्टी पर थी, बाकी कितने कर्मचारी जिनको तनख्वाह नहीं मिली? बाकी सभी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी भी है, नियमित कर्मचारी भी है, सफाई कर्मचारी भी है, सभी कर्मचारी जिनको वेतन नहीं मिला। कितने समय से इनका वेतन बाकी? इनका 3रा महीना चल रहा है, तनख्वाह नहीं मिली। 2 महीने से नहीं मिली, 3रा महीना भी खत्म हो। अधिकारियों से बात करी क्या? हाँ करते हैं, 1-2 दिन में करते हैं, बस यही मुझे तो यही बोला जाता है। एक दो दिन करते करते सर पूरा 10 महीना खत्म हो गया। आगे क्या करेंगे कर्मचारी अगर तनख्वाह नहीं मिले तो? अभी तो अभी सीएमओ साहब ने बात क्या चुंगी का बताया, चुंगी जमा नहीं होने से पैसा नहीं आता। क्या कर्मचारी नीचे हंगामा कर रहे हैं, क्या मामला है और किस तरीके की इनकी समस्या है? कर्मचारी द्वारा सैलरी को लेकर जो इकट्ठे हुए थे उस संबंध में हमसे चर्चा करनी चाहिए गई थी, हम लोगों ने चर्चा की उसमें, क्योंकि शासन से जो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि लगभग 40 लाख जो आनी है वो राशि भी किसी कारणों से आई नहीं है, इस कारण से वेतन भुगतान में देरी हुई है। क्योंकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी या अन्य कर्मचारी वेतन के लिए थोड़े चिंतित हो रहे थे, इसलिए आज थोड़ा हंगामा किया था, लेकिन उन्हें समझा दिया गया है जैसे राशि प्राप्त होती है उनका भुगतान कर देंगे। क्या उनके लिए भी मतलब कितने समय की मांग की गई है? हमने भी भोपाल बात की है, उन्होंने इस सप्ताह का बोला है कि क्योंकि जैसी व्यवस्था होती है 3 से 4 दिन में हम लोगों का भुगतान करके वेतन आहरण कर देंगे। क्या कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर हंगामा कर रहे हैं, क्या है और कब तक इनकी तनख्वाह हो सकती है? लगभग 8 माह से तो
कई दिनों से तनख्वाह पेंडिंग थी, पर हमने वसूली के माध्यम से, चुंगी के माध्यम से जो भी था रेगुलर करते थे, परंतु दो माह से चुंगी नहीं आई और सारे कर्मचारी लाडली बहनों और अन्य योजनाओं में लग गए थे, जिसके कारण हमारी वसूली भी ठप हुई है। उसके कारण थोड़ी सी दिक्कतें आई है, परंतु दो चार दिन में उनका पेमेंट हमने करने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है और जैसे ही शासन से चुंगी आएगी, क्योंकि चुंगी पे ही सब कुछ निर्भर है, नगर पालिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे हम उनका भुगतान कर सके। अब चुंगी इस बार देरी से अभी शासन से आई नहीं, जैसे चुंगी आई हम तत्काल भुगतान कर देंगे। कितने महीने का भुगतान? इनका एक महीने का भुगतान बाकी है और अभी ये अगले महीने से दो महीने का हो जाएगा, तो अभी कल परसों में हम भुगतान कर देंगे। एक माह का जो रहेगा, फिर 10 तारीख तक उसको भुगतान करने की कोशिश करेंगे।